नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। देखते हैं उत्तर प्रदेश खबर स्पेशल। जिला जौनपुर में मंगलवार को तहसील सागंज के सभागार में अपर जिला मजिस्ट्रेट राम प्रकाश की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम फरियादी अपनी अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे। वैसे तो समाधान दिवस का आयोजन महीने में दो बार होता है, लेकिन जैसे लगता है कि फरियादियों की समस्या जस की तस है। हमारी टीम इस महीने सागंज तहसील के दोनों समाधान दिवस में उपस्थित रही, लेकिन देखने में आया कि फरियादियों की समस्या यहाँ पर वैसी की वैसी है जैसी पहले थी। पिछली बार की तरह इस बार भी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, आबादी पर अवैध कब्जा, नाली चक्रोड आदि तमाम समस्याएं थीं। सरकार ने व्यवस्थाएं तो बना रखी हैं, लेकिन समस्याएं दस की तस हैं। तहसील दिवस पर उप जिलाधिकारी राजेश कुमार वर्मा, तहसीलदार अभिषेक राय, सीओ अंकित कुमार के साथ विभिन्न विभागों के आला अफसर मौजूद रहे। कुल 67 प्रार्थना पत्र यहां पर आए, जिसमें मौके पर 9 का ही निस्तारण हो पाया। मैडम, क्या मामला है, क्या समस्या? हमारा पेंशन ना बनने के बाद पेंशन के लिए दौड़ रहे हैं। हाँ, पेंशन। कितने दिन से दौड़ रहे हैं? यहाँ तो हम पहली बार आए। अच्छा अच्छा, लेकिन कई बार गई है प्रधान के लगे हुए माने जो बतावे जाए ऑनलाइन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनवा सर। किस गाँव के रहने वाले? पट्टी नगर। वृद्धा पेंशन का मामला है? हाँ भैया, विधवा पेंशन। विधवा पेंशन, हाँ। नाते आओ थे 7-8 साल हो गए मेरे आदमी के। लेकिन बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रंजीत है सर। हमारा घर आरपुर है, थाना कान है सर। हमारे समस्या है? समस्या सर जी, हमारे पट्टीदार जो है या SDM साहब जाके हमारी आबादी नाप के, हमारे आबादी में 10 फीट जमीन ऊंटा गड़वा कर, और बीते रविवार को वो जो है गड्ढा खुदवा के टाइपिंग डलवा के पुलिस के साथ, और हमारे घर वालों को डांट के भगा दिया। हम जब एप्लीकेशन लेके जाते तो हमें डांट के भगा देते, कहते उठा के बंद कर देंगे। कहाँ एप्लीकेशन लेके गए? ये इनके यहाँ गए थे सर जी, SDM के यहाँ। हमारे चाचा जी गए थे श्यामलाल सनाप जपसी राम, और सर जी हम ये है पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक के यहाँ दिए जी जी। खबर बरेली से देखें तो जनपद के बहेड़ी में बाईपास पर एक युवक बदायूं से बाइक से अपनी पत्नी के साथ हल्द्वानी की ओर जा रहा था। इस दौरान बाइक सवार के सामने बड़ी गाड़ी आ गई, जिससे बचने के लिए उसने अपनी बाइक को कच्चे रास्ते पर उतार दिया। यहां मोड़ पर एक 10 टायरा ट्रक खड़ा हुआ था। मोड़ होने की वजह से उसे ट्रक दिखाई नहीं पड़ा, जिसमें पीछे से बाइक टकरा गई, जिसके बाद बाइक पर सवार पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। यहां देखने वाला नज़ारा ये रहा कि लोग यहां पर दोनों घायलों के वीडियो बनाते रहे। घायलों ने जब आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई तो किसी ने 112 PRB को सूचना दी, और एम्बुलेंस की मदद से दोनों को बरेली इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। यहां लापरवाही दुर्घटना का कारण बनी। आप देख रहे हैं द दस्तक 24।